प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब भी स्कूल खोले जाएंगे तब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में तेजी से वैक्सीनेशन की जा रही है। विज ने यह स्पष्ट किया कि अभी तक करीब 7 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यही कारण है कि अब निर्णय लिया गया है कि जो बच्चा कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवाएगा उसे स्कूल खोले जाने के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। देखिए, हम हरियाणा में हम वैक्सीनेशन बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। पहली डोज तो 100% लोगों को हमने लगा दी है। दूसरी डोज भी 70% लोगों को लग चुकी है, अभी कईयों की ड्यू नहीं है। जहाँ तक बच्चों का बात है तो 7 लाख बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। अब हमने निर्णय लिया है कि जो बच्चा 15 से 18 साल तक की आयु का जो बच्चा इंजेक्शन नहीं लगाएगा उसको स्कूल खुलने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में जितने भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं आधे से ज्यादा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत से आ रहे हैं। दिल्ली में अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ा और पड़ भी रहा है, लेकिन हमने अपने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी व्यवस्था की हुई है। NCR को लेकर किसी भी तरह की सख्ती के सवाल पर विज ने कहा कि हमारी प्राथमिकता मरीज इलाज देने की है, चाहे वो दिल्ली का हो या हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं जो कि लगभग 9000 हैं, उसमें से आधे से ज्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के हैं। दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे निपट रहे हैं। बॉर्डर पे इसको लेकर सख्ती वगैरह की जाएगी? नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी तो हम लोगों को कोई भी है मरीज मरीज है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे हरियाणा का है, जो हमारे पास आता है हम उसका इलाज करते हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा नेता अखिलेश यादव के द्वारा भाजपा पर टिप्पणी किए जाने का जवाब देते हुए मंत्री अनिल विज ने कहा कि अखिलेश यादव को भाजपा की चिंता करने की बजाय अपने पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अनिल विज ने कहा कि योगी को कहीं से भी लड़ा दिया जाए वो भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की बजाय अपनी और अपने पार्टी के उम्मीदवारों की चिंता करनी चाहिए। स्वामी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगे तो भारी मतों के साथ जीतेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा चुनाव की तारीखों को बढ़ाए जाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि जो प्रत्याशी हार रहा होता है वो तो चाहता है कि चुनाव आए ही ना, यही कारण है कि वे चुनाव से बचने के लिए नए नए बहाने तलाशते रहते हैं। देखिए, जो प्रत्याशी हार रहा होता है वो तो चाहता चुनाव ही ना हो, इसलिए वो रोज नए नए बहाने ढूंढता है चुनाव से बचने के लिए। प्रथम तहलका के लिए अम्बाला से ब्यूरो रिपोर्ट।